अगर आप चाहते हैं पनीर की कोई ऐसी सब्जी बनाना जिसका टेस्ट एकदम हटके हो, साथ ही साथ बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो, तो ये पनीर अफगानी ज़रूर ट्राई करें। ये बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलें। सबसे पहले लेना है 200 ग्राम पनीर का, इसे हम मैरिनेट करेंगे, लेकिन मैरिनेट करने का तरीका अलग है, ध्यान से देख लें। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1/4 कप दही का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मैरिनेशन के लिए। इसके बाद जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि हम इसमें कोई भी रेड चिलीज यूज़ नहीं करने वाले हैं। आधा चम्मच भर के हल्दी, 1 चम्मच भर के गरम मसाले का। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का, आधा कप भर के डालना है फाइनली चॉप्ड धनिया का, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स करके इन्हें एक अलग ही तरीके से मैरिनेट करना है, जो मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखाने वाली हूँ। जैसे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, तो इसके ऊपर इस तरीके से एक छोटी वट्टी प्लेस कर देनी है। अब इस वट्टी के ऊपर डाल देना है 1 टेबल स्पून भर के घी का। इसकी जगह पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी बेस्ट टेस्ट करता है। अब इस घी के ऊपर डाल देना है जलता हुआ एक चारकोल, जो बहुत इजीली बाज़ार में अवेलेबल होता है। गैस के ऊपर इसे अच्छे से जला लें और इस तरीके से ढक के रख दें आधे घंटे तक, और या जब तक इसका धुआं निकलता है तब तक हम इसके सब्जी के बेस की तैयारी कर लेंगे। कढ़ाई में ले लेंगे 4 चम्मच भर के ऑयल का, और पिसा हुआ प्याज डालेंगे इसमें। 2 बड़े प्याज मैंने पीस लिए हैं, इन्हें स्टर करना है सिम गैस पर, और इसका कच्चापन निकाल लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे, साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज ना हो इस तरीके से। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से स्टर कर लिया है। इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाने के बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भर के गरम मसाला, आधा चम्मच भर के हल्दी का, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर का, और फिर इसे बहुत ही अच्छे से स्टर कर लेना है ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएं, तेल में सिक के अपना ज़्यादा अच्छे से अरोमा छोड़ दें। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 कप घर की मलाई का, आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 15 से 20 कैश्यू का पेस्ट, जो कि दूध डाल के मैंने बना लिया है। इसके ऊपर डाल देना है हमारा पनीर वाला मैरिनेशन, नहीं बहुत अच्छे से स्टर करना है। तो अगर आप पनीर की सब्जियाँ और बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान वाली, तो 20 से 25 पनीर की बहुत ही आसान रेसिपीज, जिसे मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर चेक करें। लास्ट में भी चेक करें, वो भी दिया है मैंने। तो ये देखिए, सिर्फ पानी ज़रा सा डाल के इसे मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रखा था। कितनी बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बन गई है। इसे खाने के बाद डेफिनेटली आपसे सब लोग इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो इस रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलें। बाय बाय।